दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सुप्रा ओरेकल का बहुत ही बड़ा एयरड्रॉप है और कमाल का एयरड्रॉप है। इसको ज्वाइन करने के बाद भी आप बोलोगे कि आपने क्या ही कमाल का एयरड्रॉप शेयर किया है। तो आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना, वरना इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर मैंने बताया है किस तरीके से आपको एयरड्रॉप ज्वाइन करना है, किस तरीके से KYC करना है और किस तरीके से मिशन वगैरह होते हैं उसको कम्प्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको ज्वाइन कर लिया तो यहाँ से मिशन भी आपको कंप्लीट करने होंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा टोकन भी मिलेंगे। और ये होम वाला पेज है, यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ से आपको रेफर लिंक वगैरह भी देखने को मिलेंगे, और इनको ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम वगैरह पर फॉलो भी कर सकते हो। तो आपको मिशन कम्प्लीट करने के लिए राइट हैंड साइड टॉप पर 3 लाइन है, वहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मिशन वाला, यहाँ पर क्लिक करके आपको मिशन वाला सेक्शन है, यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए व्यू वाला सेक्शन है आपका, पार्टिसिपेट इन मिशन, इस तरीके से कुछ ऑप्शन आएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, आप अच्छे से देख लो, इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, अब यहाँ पर एक कंडीशन है, उसको याद रख लो। इसके 35 या फिर 36 इवेंट हो चुके हैं, तो इसमें 15 इवेंट का आंसर सबके लिए सेम है, लेकिन फिर 16वें इवेंट से इन्होंने क्वेश्चन अलग अलग कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको 16वें से लेकर 35 या 36 जितने भी मिशन हुए हैं उन सब के आंसर देखना हो तो उसके लिए टेलीग्राम पर जरूर से चले जाना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है तो उसके आंसर भी अलग अलग है। और मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन आया होगा, बहुत सारे दोस्तों को वो क्वेश्चन ना आया हो, बल्कि उसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन आया हो, तो मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर दे दिए हैं। तो आपको टेलीग्राम पर जरूर से चले जाना है, ठीक है। तो 15 तक हम देख लेते हैं, ये पहला वाला है। अब हम दूसरे वाला पर चले जाएंगे, यहाँ पर देख लो मिशन 2 है, नीचे आ जाना तो इसका भी आंसर आपको ये वाला देखने को मिलेगा। टॉप पर देख लेना, ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। अब फटाफट ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिशन 3 है, यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर देख लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर ये वाला है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चौथा वाला क्वेश्चन है, उसका भी आंसर देख लो। तो ये मिशन 4 है और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला है, डी ऑप्शन है, और यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी है, इसको भी आप देख सकते हो। तो मैं जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेंगे, इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। दोस्तों, अब ये 5वां मिशन है, यानी आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये वाला है और इसका आंसर ये वाला है। अब ये 6ठा मिशन है तो इसका भी हम देख लेते हैं। तो इसका ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला आंसर रहेगा। तो ये 6 वाला क्वेश्चन है। अब ये 7वां क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप इसका भी देख लो, ठीक है दोस्तों। तो ये 7वां क्वेश्चन है और 7वां मिशन है, इसका आंसर ये वाला है। अब ये 8वां मिशन है, तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। आपका आंसर का सीक्वेंस होगा वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इस बात को याद रख लेना, यहाँ से पढ़ना और ये वाला आंसर होगा उसी को ही डालना होगा। तो आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई सी होगा, आपका ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 8वां मिशन है, उसका आंसर है। दोस्तों, अब ये 9वां मिशन है, उसका भी आंसर देख लो, ये वाला क्वेश्चन है और उसका आंसर ये वाला है। अब ये 10वां मिशन है, तो भी आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन है और उसका आंसर ये वाला आपको है, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, अब यहाँ पर 11वां मिशन है और उसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना, और ये वाला आंसर है, इसको भी अच्छे से पढ़ना, तो इस वाले पर क्लिक कर लेना। अब ये 12वां मिशन है, तो 12वें मिशन का ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला आंसर है, पढ़ना और उसके बाद ही आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन अलग हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, अब ये 13वां मिशन है, तो इनका क्वेश्चन ये वाला है और आंसर ये वाला है, ठीक है। तो पढ़ना और उसके बाद ही यहाँ पर टिक करना। अब ये 14वां मिशन है और उसका क्वेश्चन ये है, और यहाँ से आप आंसर भी देख सकते हो। अब ये 15वां मिशन है, तो उसका आंसर आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला आंसर है, तो अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही डालना। अब ये 16वां क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर आप आ जाओगे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला आंसर है। तो 15 क्वेश्चन तक तो सेम है, 16वें से सबके अलग अलग है। तो यहाँ से आपके जितने भी आंसर है वो मैंने टेलीग्राम पर दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये क्वेश्चन अलग होगा और आंसर भी अलग होगा, तो ये सारे आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप आंसर पढ़ के आपका क्वेश्चन का जो भी आंसर हो उस पर टिक कर लेना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आंसर ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 16वें से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ना और फिर जो भी आपका ऑप्शन हो उसको यहाँ से फिल कर लेना। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन और रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में इस एड्रॉप को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और पहला वीडियो है किस तरीके से ज्वाइन करना है उसको भी देख सकते हो। तो चले मिलते हैं ऐसे एक और नई अर्निंग की अपॉर्चुनिटी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।